हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट RSVA में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि हमारे थ्री का पाँचवा पार्ट होगा। इसमें हम देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई और दूरी। इसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्री कैसे काम करता है, ए त्रिकोण विधि, उसको हम देखेंगे। इसमें कैसे कैसे यूज होता है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम बहुत टफ टफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये कैसे सॉल्व होता है इसको देखिए। जैसे इसमें आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के इर्द गिर्द घूमता है। बिना राइट एंगल ट्रायंगल के हम ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी रेशियो यूज नहीं कर पाते हैं। और उस राइट एंगल ट्रायंगल में मतलब कि एक जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें कैसे होता है समकोण त्रिभुज, जब एक कोण कम से कम 90 डिग्री का हो। जब एक कोण 90 डिग्री का होगा तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो उसमें हमें अपना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कोई भी साइन कॉस टैन सेक कॉसेक काट कोई भी लगाते हैं और वो हम उसको सॉल्व करते हैं। और इसमें आपको मैं बताया था ये जो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, जो समकोण त्रिभुज होगा, उसका ये सामने वाली भुजा क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। और इससे अगर ये हम मान लो थीटा ले लें तो इससे ये क्या हो जाएगा, आधार, ये आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा लंब, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा लंब हो जाएगा। ये तो आप लोग को बता चुका था पहले भी, बेसिक वीडियो उसमें इसके चार पार्ट लेके पड़े हुए हैं, तो उसका हम डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे देंगे और वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। फिर ए जो है हाइट एंड डिस्टेंस, यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो टाइप के एंगल बनते हैं। जैसे कि अगर मान लो कोई कह दिया कि कोई भवन है या कोई पेड़ है या कोई मीनार है, कोई पिलर है किसी भी तरीके से, और यहाँ से ये उन्नयन कोण बन रहा है 30 अंश। मान लो शिखर के इसका जो मीनार है उसके शिखर से उन्नयन कोण कितना बन रहा है 30 अंश, तो उन्नयन कोण हमारा ए होगा। यहाँ से जब हम देखेंगे आंख यहाँ पे होगी तो ये होगा उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण होगा जिसको कहते हैं। ये यहाँ जमीन से यहाँ से आंख अगर हम लगा के यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा उन्नयन कोण होगा। और अनुमान कोण अगर कह दे तो अनुमान कोण यहाँ से बनेगा। इधर से जब हम आप लगा के यहाँ से हमारी आई होगी यहाँ पे, तो यहाँ से ए अवनमन कोण होगा, इसको कहते हैं अवनमन, अवनमन कोण होता है अवनमन, अवनमन कोण। तो इस तरीके से इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में दो टाइप का एंगल होता है। और इसको जैसे क्वेश्चन में कहे उसी तरीके से हम फिगर ड्रा करके और अपना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा के, फार्मूला लगा के और जो भी यूज होता है, तो उस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इधर हम दो क्वेश्चन लिखे हैं और इसको आप देखिए, एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें भी एक से बढ़ के एक टफ क्वेश्चन इसमें होते हैं, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री के ये जो फार्मूले होते हैं और जो इनका रेशियो है वहाँ से यूज करके हम इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का, मतलब 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। 30 अंश से 60 अंश हो जाता है, बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो इसको देखो जैसा ये बोल रहा है उसी टाइप से हम ये इसका फिगर जो है बना देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखो पहला क्या कह रहा है कि एक 1.5 मीटर का लड़का है, मान लीजिए एक लड़का है 1.5 मीटर का, ऐसे हम सपोज कर ले रहे हैं कि ये लड़का है, यहाँ पे 1.5 मीटर की है, इसकी हाइट जो है लड़की की वो कितनी है, 1.5 मीटर की है। अच्छा, अगर लड़का है तो ये खड़ा होगा कहाँ पे, जमीन पर ही होगा, जमीन पर ही होगा, 1.5 मीटर का लड़का, ऊंचा भवन जो होगा वो भी जमीन पर ही होगा। तो यहाँ से यहाँ कहीं अगर हम भवन मान लेते हैं तो ये भी भवन कितना है, 30 मीटर ऊंचा है, 30 मीटर ऊंचा है, मतलब इतनी हाइट मान लो यहाँ से भवन है 30 मीटर, इसकी हाइट कितनी है 30 मीटर है, ये 30 मीटर कितना है ऊंचा है भवन। तो जब यहाँ से ये लड़का देखता है तो उसके भवन के शिखर का, यहाँ से मान लो ये देख रहा है यहाँ से, तो उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, कितना बन रहा है 30 अंश। मतलब कि अगर ऐसा है
यहां से इसका उन्नयन कोण कितना बना है 30 अंश। फिर क्या कह रहा है कि वो लड़का अब यहां से इस जो हमारा भवन है उसकी तरफ देखते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और एक टाइम पे वो उसके आग से कोण कितना बन जाता है 30 अंश से 60 अंश बन जाता है, उन्नयन कोण मतलब 60 अंश बन जाता है। तो पूछ रहा है कि लड़का भवन की तरफ कितनी दूरी चला, तो भवन की तरफ कितनी दूरी चला, यही इतनी दूरी हुई ना, यही इतनी दूरी हुई, यही इतनी दूरी हमको निकालनी है, भवन की तरफ कितनी दूरी चला। तो इसका हम अगर नाम लिख दें ए बी सी और यहाँ डी डाल दो यहाँ ई डाल दो, तो देखो हमें यही डी और ई निकालना है कितनी दूरी ये चला। तो देखो ये लड़का जो है लड़के की हाइट कितनी है 1.5 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक भाई इधर आ रहा है तो लड़का छोटा बड़ा तो होगा नहीं, जितना है वैसे ही रहेगा, आगे की तरफ मीनार की तरफ आ रहा है और मीनार के शिखर को देखते हुए, तो इसकी जितनी हाइट होगी वो मीनार से यहाँ तक पहुँचेगी हाइट। कहने का मतलब इतना अगर हम यहाँ तक मीनार की हाइट देखें तो ये 1.5 मीटर यहाँ से कम हो जाएगा, तो 1.5 मीटर इतना है आगे 1.5 मीटर कम होगा तो कितनी बच जाएगी, ये हो जाएगी 30 - 1.5 मीटर 80.5 मीटर हो जाएगा, 28.5 मीटर आ जाएगा। और अब एक एक करके आप ट्रायंगल ले लीजिए, जैसे हमको ये 30 अंश पता है, 30 अंश मतलब ये पूरा ट्रायंगल क्या होगा ए बी ई, पहले आप ट्रायंगल ए बी ई में देख लीजिए, इधर हम लिख देते हैं ये ट्रायंगल ए बी ई, ये देखिए कहाँ बन रहा है ए बी ई, ए वाला पूरा ट्रायंगल, ये वाला पूरा ट्रायंगल बन रहा है और हमें ये पता है क्या इतना हाइट, हाइट मतलब ए अगर इसमें हम देखें राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो ए क्या बनेगा यहाँ पे इस एंगल के हिसाब से ये बनेगा हमारा लंब बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ए हमें पता नहीं है ए आधार है, तो यही हमें मतलब कि मालूम पता करना है कि ये कितना है डी। तो डी अगर हम पता करने के लिए आप जानते हो लंब और आधार में कौन सा रिलेशन होता है, वो होता है टैन का, तो टैन टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो हम टैन 30 अगर ले लें तो ये क्या हो जाएगा ए लंब अगर हम ए बी लिख दें और आधार क्या लिख दें बी ई, ए हो जाएगा, तो ए बी हमको पता है तो बी ई निकाल लो, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी बटा टैन 30, ए बी बटा टैन टैन 30 हो जाएगा, ए बी बटा टैन 30 हो जाएगा। अच्छा अब देखो इसमें ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा ए बी तो पता ही है, ए बी हमारा कितना है ए बी है 28.5 और टैन 30 का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3 होता है, तो इसको सॉल्व कर दो ये कितना आ जाएगा 28.5 × √3/1 मतलब कि ये आ गया 28.5√3, इतना मीटर आ गया क्या हमारा पूरा बी ई, बी ई आ गया 25। हमें ज्ञात क्या करना है कि ये लड़का जब 30 अंश से 60 अंश उसके आग से मीनार का वो शिखर का एंगल बना तो उतनी दूरी कितना चला, मतलब कि डी ई ज्ञात करना है, अगर बी ई हमको पता चल जाए तो उसमें से डी बी माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, तो बी ई हमको पता चल गया है। अगला देख लो, अगला हमको 60 डिग्री मालूम है, तो ए जो है हम ट्रायंगल ले लेंगे ए बी डी, ए बी डी आप ले लो, ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल ले लेंगे, तो इसमें क्या है इतना तो हमको पता है ए बी, इसमें भी लंब और आधार की बात है तो हम लगा देंगे कौन सा टेन 60, टेन 60 क्या हो जाएगा लंब यहाँ पे क्या बन रहा है ए बी, लंब ए बी बन रहा है और आधार क्या बन रहा है बी डी, आधार बी डी बन रहा है, तो यहाँ से आप क्या करोगे ए बी, ए बी हमको पता है तो बी डी निकाल लो, बी डी निकाल लो तो बी डी क्या हो जाएगा ए बी बटा टेन 60 और टेन 60 का मान क्या होता है टेन 60 का मान होता है √3 और ए बी का मान आपको पता है 28.5 ये होता है √3, इतना मीटर हो गया। देखो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है डी, तो डी ई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये पूरा जो है बी ई, बी ई में से अगर बी डी घटा दें तो यही बचेगा डी, तो यहां से हम डी ई निकालने के लिए क्या करेंगे बी ई पूरे में से घटा देंगे कितना बी डी, बी डी घटा देंगे तो बी ई जो है कितना है 28.5√3 माइनस बी डी है 28.5/√3 इतना हो गया, ठीक है। तो आप क्या करो, आप यहां से
या तो आप रूट थ्री यहाँ से वो ले लो एलसीएम, रूट थ्री एलसीएम ले लोगे तो यहाँ से कौन से भाग दोगे, रूट थ्री आएगा, रूट थ्री से यहाँ गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 28.8 × 3 और यहाँ पे 28.5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ 28.5 या तो आप मल्टीप्लाई कर दो या तो हम कॉमन ले ले रहे हैं, कॉमन ले लेंगे 28.5 तब भी वही आ जाएगा बाई रूट थ्री है, तो ये कितना हो गया 28.5 और इंटू थ्री में से 1/2 बाई रूट थ्री आ गया, तो 28.5 एक 57 बटा कितना आ गया रूट थ्री, बहुत करो रूट थ्री से ऊपर नीचे गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 57√3/3, तो 19 × 57 होता है, ये मतलब काट दोगे तो 19√3 मीटर आ जाएगा, कितना 19√3 मीटर, और कितना ये दूरी आ गई, फिर ये आ गई 19√3 मीटर, यही हमको ज्ञात करना था। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, क्वेश्चन तो देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन आपको इसको जैसा क्वेश्चन करा उस तरीके से क्लियर ड्रा करिए, उसके बाद आपको एक आ रहा है कि 30 से 60 अंश उसके जो आग थी उससे बन रहा है शिखर से, तो वो कितना वो दूरी चलेगा, कितनी दूरी चलेगा वो निकालने के लिए आप एक बार 30 अंश वाला पूरा ट्रेंगल ले लीजिए, एक बार 60 अंश वाला ले लीजिए दोनों से, फिर यहाँ से आप ये कर लीजिए डी निकाल लीजिए, डी माइनस बी डी कर दीजिए, हमें बी पता है बी डी पता है, आप थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 19√3। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप अगर समझ में नहीं आया है तो कास्ट करके वीडियो रिवर्स करके देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये नोट कर सकते हैं आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 अंश। देखिए वहां उन्नयन कहा था, यहाँ पे क्या कह रहा है अवनमन कोण, बहुमंजिली भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी जाती है। देखिए एक आ रहा है बहुमंजिली इमारत है, क्या है बहुमंजिली भवन है, तो बहुमंजिली भवन मतलब कि थोड़ा बड़ा भवन होगा, एक बहुमंजिली भवन बना दो, और कह रहा है एक 8 मीटर ऊंचे का एक भवन ऊंचाई का, तो यहाँ से हम 8 मीटर ऊंचाई का एक भवन बना देते हैं, इसकी ऊंचाई क्या होगी 8 मीटर हो गया, 8 मीटर ऊंचाई, और ये जो है हमारा ये बहुमंजिली भवन है, बहुमंजिल मंजिली भवन है। अभी जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे आप करिए, ये कह रहा है बहुमंजिल भवन के शिखर से अगर ये देख रहा है तो यहाँ से क्या कह रहा है 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, भवन के शिखर, शिखर क्या है यही है ना, 8 मीटर जो ऊंचा भवन है ये, इसके शिखर से, इसका शिखर यही है, तो इसके शिखर से उन्नयन कोण अवनमन कोण कितना है 30 अंश, देखो अवनमन कोण 30 अंश है, और उसके तल से, इसके तल से, तल ये है हमारा तल, भाई भवन है तो जमीन पर होगा तल, तो इसके तल से इसका अवनमन कोण कितना है, ये वाला पूरा कोण कितना बन रहा है, ये बन रहा है हमारा कितना 45 अंश, ये जो है 45 अंश, तो ये हमारा 45 अंश है। अब देखो अब कह रहा है कि इसकी बहुमंजिल का ये पूरा पूरा हाइट ज्ञात बताइए, इन दोनों भवनों के बीच की दूरी बताइए, तो ऐसे हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई, ऐसे नाम लिख लीजिए। अब देखो हमें करना क्या है, आपको ये 30 अंश है तो जैसे दो समांतर रेखाओं को यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे दो ये पैरेलल रेखा हो इसको अगर कोई कट करती है रेखा तो ये एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, उसी तरीके से एक कोण 30 है तो ए भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये हमारा 45 है तो ए भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, ये बात समझ में आपको आ जानी चाहिए, जब दो पैरेलल ए लाइंस को एक एक लाइन कट करती है तो उसके संगत एकांतर कोण मतलब कि अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो यहाँ से ए चीज हमको मिल गई, ए हमारा 8 मीटर है, देखो डी ई 8 मीटर है तो ए बी सी भी 8 मीटर आप लिख सकते हो, ए बी सी भी कितना होगा 8 मीटर होगा, और डी सी जितना है उतना ही हमारा बी ई होगा क्योंकि समांतर है, और बचा ए ए बी, तो देखो इसको आप ले लो पहले ट्रायंगल, इसमें इसमें ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई में देखो क्या होगा, ए बी ई में अगर हम लेते हैं
इतना बटा इतना कर लो, इतना बटा इतना क्या हो जाएगा, टैन की बात आ रही है ना, लंब बटा आधार से, तो लंब कितना है ए बी बाई कितना है पी, ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हम इधर अगर लिखते हैं बात वही होगी, ए बी इधर लिख दो, ए गुड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा टेन थर्टी, टेन थर्टी इंटू कितना बी ई, बी ई हो जाएगा। और टेन थर्टी का मान कितना होता है, टेन थर्टी का मान होता है वन बाई रूट थ्री, वन बाई रूट थ्री इंटू बी ई। तो बी ई बराबर क्या आ जाएगा, बी ई बराबर आ जाएगा रूट थ्री, रूट थ्री ए बी, ठीक है, रूट थ्री ए बी, ए यहाँ पे रखिए, हमारा क्या मिला बी ई, बी ई ए इतना आ गया, ए बी रूट थ्री, तो बी ई आ गया, मतलब बी सी भी उतना लिखा जा सकता है, ठीक है। एक एंगल हमने लिया, एक ट्रायंगल इतना निकला, दूसरा वाला ट्रायंगल हम ले लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल ये 45 वाला ले लो, कौन सा बन रहा है 45 वाले में, ये बन रहा है हमारा ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी में देखो टेन 45 निकालो क्या हो जाएगा, टेन 45 45 ये हो जाएगा पूरा, मतलब लंब क्या वाला है ए सी बटा डी सी, ए सी बटा डी सी हो जाएगा। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा डी सी टेन 45, अच्छा टेन 45 क्या होता है एक, तो डी सी यहाँ एक, मतलब ए सी बराबर क्या आ गया, ए सी बराबर डी सी आ गया, यहाँ से ए भी रख लो, ए सी बराबर डी सी काम आएगा। आगे देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वो मेरिडियन का ये हाइट निकालना है, तो ए भी पता चल जाए, ए भी पता चल जाए तो आठ है उसी में ऐड कर देंगे, और ये वाली चीज, ये दोनों भवन और बहुमंजिल भवन का जो बीच की दूरी है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, कोई एक निकल जाए, मतलब बी ई निकल जाए या डी सी निकल जाए, बात बन जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब देखो क्या पता है हमको, ए वाली हाइट देखो क्या होगी, ये पूरा बहुमंजिल निकालना है ना, तो यहाँ पे लिख दो बहुमंजिल, बहुमंजिल की ऊंचाई, यही पूछा है, यही निकालो, देखो क्या होता है, बहुमंजिल की ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई पूरी क्या है ए सी, ए सी बराबर आप क्या लिख सकते हो, ए सी बराबर बी सी प्लस ए बी लिख सकते हो, और बी सी यहाँ से कहीं पे है, बी सी, बी सी देखो बी सी नहीं है, तो बी सी बराबर डी सी यहाँ लिखा जा सकता है कि नहीं, ए बी सी है, बी सी बराबर डी सी लिख सकते हो, तो बी सी बराबर डी सी और डी सी बराबर हो जाएगा ए सी, डी सी बराबर ए सी हो जाएगा। तो यहाँ से बी सी बराबर डी सी और हमारा डी सी बराबर ए सी है, तो ये बराबर ए सी हो जाएगा। ऐसा देखो कहाँ गया, बी सी बराबर बी सी नहीं, बी सी बराबर डी सी, ए सी बराबर डी सी भाई, सॉरी ये पहले आप लिखो ए सी बराबर क्या है डी सी, ए सी बराबर डी सी, ए सी बराबर अगर डी सी है तो यहाँ पे हमें जरूरत क्या है बी सी की, तो बी सी बराबर बी सी, बी सी अच्छा बी सी तो आठ ही है, इसको क्या हटाना है, ए बी निकालना है, तो ए बी बराबर क्या लिख दोगे, ए बी बराबर हमारा बी ई बाई रूट थ्री हो जाएगा ए बी बराबर, और ए सी बराबर आप लिख सकते हो यहाँ पे डी सी, तो ए सी बराबर डी सी लिख दो, और बी सी हमारा बी सी आठ है प्लस ए बी, ए बी कितना निकल जाएगा यहाँ से, ए बी हमारा हो जाएगा बी ई बाई बी ई, कहाँ पे है बी, बी ई बाई रूट थ्री, बी ई बाई रूट थ्री हो जाएगा। अच्छा बी ई बराबर यहाँ पे कितना है बी ई, अब देखो बी ई यहाँ से बी ई बराबर डी सी लिख सकते हो कि नहीं, जितनी दूरी बराबर जितनी दूरी के, तो बी ई बराबर डी सी लिख दो, तो यहाँ बी ई बराबर आठ प्लस ये कितना हो जाएगा डी सी, डी सी बाई रूट थ्री। अब देखो इधर भी डी सी है, तो क्या करोगे, डी सी को डी सी को एक तरफ कर लो, इधर ले आता हूँ डी सी को, डी सी माइनस डी सी बाई रूट थ्री हो जाएगा इक्वल टू एट,
तो बी सी कॉमन ले लो, पहले रूट थ्री ले लो, रूट थ्री एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट थ्री डी सी, रूट थ्री डी सी माइनस डी सी बराबर एट रहेगा। तो डी सी कॉमन ले लिए, यहाँ पे रूट थ्री माइनस वन इक्वल टू एट रूट थ्री, एट रूट थ्री आ गया। तो डी सी बराबर कितना आ गया, डी सी बराबर आ जाएगा एट रूट थ्री बाई रूट थ्री माइनस वन आ जाएगा। डी सी बराबर रूट थ्री बाई एट रूट थ्री बाई रूट थ्री माइनस वन आ गया ना। देखो ये डी सी, तो दोनों भावनों के बीच की दूरी कितनी आ गई, एट रूट थ्री बाई रूट थ्री माइनस वन। अब क्या पता करना है, बी ए, ए बी, अच्छा ए बी मतलब अगर डी सी इतना आ गया तो बी ई बराबर डी सी है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, यहीं पर लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो लिख देता हूँ ए बी, बी ई बराबर कितना है, रूट थ्री, रूट थ्री ए बी, रूट थ्री ए बी। तो बी ई हमारा किसके बराबर है, बी ई डी सी के, और डी सी बराबर इतना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बी ई बराबर डी सी बराबर, डी सी बराबर कितना है आठ, डी सी बराबर लिख दो एट रूट थ्री बाई रूट थ्री माइनस वन। ए बराबर कितना हो गया, रूट थ्री ए बी, ए बी कहाँ पे है, ए, तो ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर हो जाएगा एट रूट थ्री बाई, अब यहाँ रूट थ्री आ जाएगा भाग हो जाएगा, रूट थ्री माइनस वन आ जाएगा है, इतना आ गया ए बी बराबर। तो ए रूट थ्री, ए रूट थ्री कट जाएगा, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी बराबर आ जाएगा एट बाई रूट थ्री माइनस वन, एट बाई रूट थ्री माइनस वन, ए बी पता चल गया। तो ए पूरा ए सी बहुमंजिल का ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा हमारा ए बी प्लस बी सी। देखिए ए बी कितना है, यहाँ से निकल गया एट बाई रूट थ्री माइनस वन, और ए बी का मान कितना है, बी सी का मान आठ। तो यही आंसर लिख सकते हैं आप, क्या लिख दोगे, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहो कर दो, नहीं तो इतना ही लिख दो, और करोगे आप रूट थ्री माइनस वन एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे एट आ जाएगा, यहाँ पे एट रूट थ्री माइनस वन आ जाएगा, बस इतना लिख सकते हो, यही हमारा हाइट हो जाएगा। ऊपर नीचे और गुणा कर सकते हो, तीन माइनस एक दो आ जाएगा, मतलब इस तरीके से लिख सकते हो, आठ यहाँ से कॉमन ले लो तो हो जाएगा वन प्लस रूट थ्री माइनस वन, और इधर रूट थ्री माइनस वन ये हो जाएगा एक और बाई ए रूट थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन आ जाएगा मतलब टू आ जाएगा, थ्री माइनस वन तो दो चौक आठ, तो इस तरीके से इतना आ सकता है चार, और वन प्लस रूट थ्री माइनस वन एक में है, और रूट थ्री माइनस वन ये अलग है, एक पूरा अलग है, बस इतना आ जाएगा, इतना मीटर आ जाएगा। तो ये तो कैलकुलेट आप कहीं भी कर सकते हो, यहाँ भी छोड़ दोगे तब भी सही हो जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा ये जो दिया हुआ था एक बहुमंजिल भवन है और एक आठ मीटर के ऊंचा दूसरा भवन है, बहुमंजिल भवन के शिखर से हम वहाँ से अवनवन कोण, जो आठ मीटर की ऊंचाई का भवन है उसके शिखर का तीस अंश का अवनवन कोण, और उसके जो क्या था तल से पैंतालीस अंश का अवनवन कोण बनता है, वो हमने बना लिया। अब दो समांतर रेखा को एक तिरेक रेखा काटती है तो उसका एकांतर कोण बराबर होता है, उसकी वजह से तीस अंश हो जाएगा, पैंतालीस अंश हो जाएगा। कह रहा है बहुमंजिल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, कितनी दूरी पर दोनों भवन स्थित है। तो उसके लिए हमने एक बार तीस अंश वाला एंगल ले लिया ए बी, और एक बार ले लिया ए सी डी, तो इससे दोनों को लेके हमने टेन तीस टेन टेन पैंतालीस से दोनों निकाल लिया। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस डी सी, और डी सी बराबर ए बी है, बस उसी में इधर उधर करके मान पता ही है। तो इस तरीके से और टफ टफ क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, और आप प्रैक्टिस करिएगा, नियम यही रहेगा सब में, उन्नयन कोण अवनमन कोण जैसा भी क्वेश्चन कहे उसी तरीके से आप लिख के इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, तो आप सॉल्व करिएगा, कोई भी दिक्कत होती है तो उसको आप उसमें कमेंट में बताइएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे। और आप इससे जो इसके पहले चार पार्ट बन चुका था ट्रिग्नोमेट्री में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसको भी आप देख लीजिएगा, उसमें पूरा बेसिक आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का है
बेसिक टू हाई लेवल पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसमें आपका हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री आपकी पूरी तैयार हो जाएगी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ हमारे चैनल एस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और राइट साइड में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करिएगा। उससे जो वीडियो आएगी इस टाइप की उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, मिलता रहेगा। और थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।